विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहे हैं। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं से मिलने के बाद बीजेपी के खिलाफ अधिक से अधिक विपक्षी दलों की एकजुटता का आह्वान किया है, एकजुटता की मुहिम का आह्वान किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या पवार विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा होंगे, नीतीश ने कहा, इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैंने उनसे कहा है कि उन्हें न केवल अपनी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और अधिक जोश के साथ काम करना होगा, नीतीश कुमार का कहना था। नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने अधिक विपक्षी दल एक साथ आएंगे देश हित में, या उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छा हम लोगों के लिए होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। लोकतंत्र बचाने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे। शरद पवार ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के साथ हम लोग मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये खतरे की बात है। देश के हालात देखकर लगता है कि यदि हम मिलजुल कर काम करते हैं तो विकल्प के लिए समर्थन मिलेगा। एनसीपी प्रमुख ने दावा किया है कि बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार वहां के लोग बीजेपी को हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का चुनाव करेंगे। आपको बताने चले, पवार ने कुमार से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, मैंने आज अपने मुंबई स्थित आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत किया है। हमने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता को मजबूत करने पर संक्षिप्त चर्चा की है। नीतीश कुमार की पवार से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्र की राजनीति में पवार ने बहुत लंबी पारी खेली है, उन्हें केंद्र की राजनीति का लंबा अनुभव है, लंबा ज्ञान भी है। देश के सभी राज्यों के प्रमुख नेताओं और बीजेपी से नाराज नेताओं के साथ भी उनके गहरे संबंध। मोदी के खिलाफ लामबंद करने में कुमार को पवार का साथ मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके से पवार ने अडानी के खिलाफ जेएसपीसी का विरोध किया उसे लेकर शक के बादल जरूर उमड़े थे, लेकिन नीतीश को अभी भी लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में शरद पवार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डीएनडी न्यूज से। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हाँ, लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।